Good morning, guys, and welcome back to our channel Precha Vlogs by Bajra. सुबह के 9:15 और आज है ना बाल गीले नहीं रखे क्यों? क्योंकि भाई आज थोड़ा ठंड जैसा माहौल ज्यादा है, तो ऐसे बाइक पे जाता हूँ ना और जितनी बार नीचे जाता हूँ मेरे को है ना ज्यादा बाल ड्राई करने की मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्या गीले होता है ना तो सेट अच्छे हो जाते हैं। तो अभी देखो ये है ना रुचा और मम्मी रोज मेरे को बोलती है कि तू बाल गीले रख के नीचे आता है, बाल गीले रख के नीचे आता है, बोले सर्द हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर दर्द करेगा, बट मेरे को ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मैं बोला छोड़ यार भाई, कौन ही नीचे जाए और नीचे जाके सुबह सुबह बात सुने, इससे अच्छा मैं बोला आज ड्रायर कर देता हूँ। तो प्रॉपर ड्रायर करके फिर बाल है ना ऐसे मेरे वेवी वेवी से हो जाता है। और आज रुचा भी थोड़ी लेट होती है, उठी है क्या होता है, रुचा भी आज थोड़ी लेट उठी है, तो वो अभी ब्रश करने के लिए गई है, वो आती है तो हम दोनों जाते हैं नीचे, करते हैं भाई पेट पूजा। पापी पेट का सवाल है, देखो भाई पेट पूजा इज कंपल्सरी है ना, वो कहावत है पेट पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो भाई पहले थोड़ा बहुत खाएंगे उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। बाकी देखो रुचा आज क्या करती है क्या नहीं। रुचा है ना कल सुबह से मेरे को मतलब सॉरी कल रात से मेरे को ऐसा बोल रही है कि बोले प्रेरक आप कल आओ ऑफिस से, मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी, कल आओ आप ऑफिस से, मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। अभी उसको रिमाइंड नहीं करवाऊंगा, बट देखते हैं रात को आते आते आज क्या अच्छा खाने में मिलता है वो। बाकी अभी फटाफट से चलता है नीचे। सर तो चले गए हैं ऑफिस और टाइम बता दो तो 10 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो गई। भाई आज ठंडी है इसीलिए मैंने जैकेट निकाला नहीं है, जैकेट पहन ही रखा है। मस्त मजे का नहा लिया, आज पानी की कोई तकलीफ नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ है, तो ऊपर ही नहा लिया मस्त मजे का। अभी चलते हैं नीचे, बातें करते हैं मम्मी और आशू से कि कल आप लोगों ने फैमिली फंक्शन जो समाज का फंक्शन था वाटर पार्क में वहाँ पे क्या किया क्या नहीं किया। लास्ट टाइम तो मैं और प्रेरक गए थे लेकिन इस टाइम नहीं जा पाए क्योंकि शूट, मैंने बोला आपको जस्ट बिकॉज ऑफ शूट। तो लेट्स गो, जाते नीचे और देखते हैं आज के दिन में क्या करते हैं क्या। 500 ml का ये ग्लास है और आशु ने पता नहीं कौन सी खुशी में इतना सारा उसके लिए निकाल दिया। आशु ये पीने की तेरे में क्षमता है, पी जाएगी कितने घंटे? लिक्विड कितने घंटे में पी जाएगी? देखो टाइम हो रहा है 10:45, तो कितने बजे तक पी जाएगी इसको? 2 बजे तक तो सोएगी नहीं, 15 मिनट। अच्छा 11 बजे तक पी जाएगी, देखते हैं लेट्स सी। एक मिनट की देर है और अभी पूरा सिप बाकी है इसका, आशु चल पी जा वरना तो चैलेंज हार जाएगी। हारे जिस हारे लू मनुष्य हारे हुए आदमी का चेहरा सॉरी औरत का चेहरा देख लो। और इसी के साथ 11 बज गए। हाँ रुक जा, देखते हैं तू पी पाती है कि नहीं पी पाती है। अरे वो बहू मारी बोली पर नहीं जवाब तुम्हारे। अच्छा तू तेरी बोले जो चल पीछे मेरी हाईलाइट कितनी प्यारी से दिख रही है मन में ना। बाकी 5:30 बज रहे, मैं जस्ट अभी उठी हूँ, अभी चलते हैं नीचे। आज बहुत बढ़िया नींद आई है मेरे को, संडे के बाद है ना मंडे आता ना और संडे वो एंजॉय किया होता है ना, तो मंडे ऐसा सुस्ती वाला जाता है, ये सब हो रहा है। तभी चलो भग लेते हैं नीचे। 8 बज रहे और मैं यहाँ पे मेरी सीरियल देख रही हूँ परिणीति, और अंदर मम्मी बना रहे हैं पनीर की सब्जी। आशा देखो थाली लेकर जा रही है चौकड़ी में। आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आज बहुत ही मैंने हम लोगों को बोला कि संडे इतना मस्त गया ना, तो आलस आलस सी आ रही थी, तो ऐसे सोए रहने का पड़े रहने का ऐसे बहुत मन हो रहा था। और आशु को जाना है मेहसाना, मैंने आपको बताया था कि उसकी ससुराल में शादी है, तो उसकी सबकी पैकिंग उसको करवा रही थी मैं, तो इसमें थोड़ा सा ये उधर उधर हो गया। 8 बज गए, मैं बाकी नीचे तो आई हूँ 6 बजे की, चाय नाश्ते किया ये किया वो किया, अभी पालक पनीर बन जाता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि भाई उसका लुक कैसे आता है, पनीर कैसे डालता है। आज मम्मी ने कुछ अलग तरीके से पालक पनीर बनाया, सबको ऐसा ऑब्सेशन होता है कि पालक पनीर खाना है लेकिन पालक का स्वाद या पालक की स्मेल ना आनी चाहिए। हमारे प्रेरक को भी ऐसा है, वो बोल रहा है पालक पनीर बनाओ लेकिन पनीर पालक की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो मम्मी ने आज कुछ इस तरीके से बनाई है पालक पनीर की सब्जी, मैं थी नहीं, मैं और आशु पैकिंग में थे, दैट्स व्हाई मुझे पता नहीं है, जाके देखते हैं कि मम्मी ने क्या किया। 8:30 बज रहे हैं, मैं घर पे आ चुका हूँ और रुचा रोटी बना रही है। रुचा क्या है खाने में आज? पालक पनीर, इसमें पालक की ना स्मेल आ रही है ना इसका टेस्ट आएगा, ढूंढ तेरे को पसंद है वैसा बना। हाँ थैंक यू सो मच। शेजवान राइस बना है। ओके और सलाद में क्या है? अभी कट करना बाकी है तेरी अनियन। हाँ
वो इम्पोर्टेंट है ना, पता है मेरे को। हाँ बाकी आज तो रुचा धमाल मचाएगी, डजन डेढ़ डजन रोटी तो अकेली रुचा खा जाएगी आज, और आशू भी खाएगी। आशू तो सिर्फ राइस खाए। एक डजन का 1%, छह रोटी पागल है। एक डजन का 1% बोला। अच्छा। प्रेरक का पहला प्यार मुझसे भी ज्यादा अहमियत वाला प्यार है ना प्रेरक भाई। देखो कचुम्बर को कोई कुछ नहीं बोलता, कचुम्बर नहीं बोलते तेरे को, सिर्फ ऑब्सेशन है अनियन से। नहीं मेरे को कोई भी कचुम्बर होना चाहिए, ककड़ी का, टोमेटो भी। टोमेटो तो भाई डॉक्टर ने खाने को मना बोला है, वरना मैं तो खाऊं। तेरे को ना कोई अनियन के खेत वाले के साथ शादी करनी चाहिए थी। उसके खेत नहीं, वखार होती है ना, व्हाटएवर जो भी हो। चलो रेडी। 12:15 बज रहे और हम लोग जस्ट अभी ऊपर आए, चक्कर वक्कर मारने गए थे, मार के ऊपर आ गए। बिग बॉस देख रहे थे आज कल, बिग बॉस थोड़ा आधा सा छोड़ के वापिस आ गए थे क्योंकि कल मम्मी पापा और वो लोग थक गए थे, और सबके साथ ही बिग बॉस देखने का मजा आता है। पहले ऐसा हुआ करता था हमारे घर में कि मैं और प्रेरक ना फोन में देखते थे बिग बॉस, लेकिन अभी हम लोगों ने ऐसी आदत बना दी है हमारे फैमिली मेंबर्स की कि मम्मी पापा आशु सब बिग बॉस देखने बैठ जाते हैं। 10 बजे बिग बॉस, मतलब 10 बजे बिग बॉस आता है तो 10 बजे मम्मी अनुपमा नहीं देखते, हमारे साथ बिग बॉस देखते हैं। और वो लोग भी ऐसे होते हैं क्यूरियोसिटी की, भाई क्या देखे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आगे उन लोगों को, सबको हम लोगों ने बिग बॉस देखने की आदत डाल दी है। बाकी आज तो मस्त मजे की मैंने पालक पनीर की, मतलब मैंने नहीं बनाई थी, मम्मी ने बनाई थी, पालक पनीर की सब्जी बनाई थी, फ्राइड राइस बनाए थे और वॉट सूप बनाया था। तो प्रेरक सर आए हैं ऊपर फ्रेशन अप होने के लिए, गए वो आते हैं तब उनसे पूछते हैं, रिव्यू लेते हैं उनसे कि क्या आपको अच्छा लगा था, सब्जी अच्छी लगी थी, राइस अच्छे लगे थे, कि क्या अच्छा लगा था। ए पागल, ए पागल, क्या है तेरे को, हो गया हो गया, रुचा का फिल्टर वगैरह कचरा देख लिया। समझ में नहीं आया किसी को तेरी जबान। रुचा का विदाउट फिल्टर चेहरा देख लिया। तो रोज क्या फिल्टर के साथ देखता है, रोज क्या मेकअप करके सोती हूँ। प्रेरक मार खाएगा, तबियत की मार खाएगा। बस बेटा बस, लाल लाल हो गया पूरा। अभी रुक जा, सांस ले, रुक जा बे, हो गया। अभी सुन, मुद्दे की बात करनी है तेरे से। प्रेरक अभी फैट खाएगा। क्या लाफिंग गैस सुन के आया है। अभी सुन, तूने जो पालक पनीर की सब्जी खाई थी और जो फ्राइड राइस खाए थे, वो तेरे को कैसे लगे, रिव्यू दे। बोला तो अच्छा लगा। अरे हाँ, तू कल रात से मेरे को बोल रही थी, तो ये बोल रही थी अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, ये तूने थोड़ी बनाया था। तू बोल रहे नहीं, मैं बना रही थी, लेकिन मम्मी बोल रहे थे कि मैं कुछ अलग अंदाज से बनाती हूँ। जैसे हम लोग पालक पनीर को, पालक जो बॉईल करके बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को स्मेल आते, तेरे को स्मेल वाला पसंद है। आज मम्मी ने फ्राई की पालक को, उसके बाद बनाए, उन्होंने कुछ यूट्यूब में देख लिया था। अच्छा। तो बोल रहा है आज मैं बनाती हूँ। अच्छा है ना, अच्छा था, लेकिन सब्जी अच्छा बनाया था, फ्राइड राइस, राइस भी अच्छे थे, बट थोड़े स्पाइसी से। तेरे को तो पसंद आए होंगे, पसंद आए। और अनियन कैसी थी? अनियन तो वाह, मैंने खुद काटी थी तो फिर अच्छी होगी। काटी मैंने थी, मसाला तूने डाला था, झूठ मत बोल। मतलब वही लास्ट में जो गार्निशिंग करता है वही मास्टर शेफ कहलाता है। अच्छा तो हम तो क्या जॉब छोड़ दे? यस प्लीज छोड़ दे, पहली फुर्सत छोड़ दे, सुबह का खाना नहीं मिलेगा। पहली फुर्सत में सुबह का खाना नहीं मिलेगा, पहले तेरे को लेना, शूट करना सीख। ऐसे करते हैं इसको, ऐसे हम आदमी रखते हैं शूट करने के, तेरे जैसे पैसों पे, सैलरी पे। पहली फुर्सत में क्या है भाई, इसको डायलॉग बोलने भी नहीं। सही मत बोल, सही मत बोल, सही से नाक बोल, और कुछ प्रोनाउंस होता है। देखो देखो देखो, बोलती नहीं है तो कुछ और लगता है ना, जो लगता है वो कमेंट करके बताओ। यूट्यूब चैनल बंद करवा देगा अपनी। पागल हो गया आज, पता नहीं आया है तब से हंस हंसी कर रहा है, और आड़ा सी की जैसे ऐसे 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 कर रहा था बिग बॉस देखते टाइम। क्या हो गया इसको? मैं आड़ा सी जैसा तो लग रहा हूँ?
मोटा सा फैला हुआ अड़सिया लग रहा है तू। और तू? मैं तो एकदम पतली सूखी दाल। मत कर यार। भाई देखो फिर आप लोग बोलते हो हंसते हो क्यों, ये ऐसा सब करती रहती है, हंसी तो आएगी। मत कर माया झूठी, गाना भी नहीं आता। मत कर माया का अभिमान, मत कर माया का अभिमान, मोटे तू होगा और मोटा। भाई चलो कोई नहीं, आज का व्लॉग करते यहीं पे एंड। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।